सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मामले में सीबीआई ही एक ऐसी दीवार है जिसके जरिए सुशांत के फैंस का सुशांत को जस्टिस दिलाने की उम्मीदें टिकी हुई है। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि सुशांत के फैन लगातार सीबीआई की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए थे कि कब सीबीआई का बयान आएगा, जिस बयान में इस बात का जिक्र होगा कि सुशांत का असली कातिल कौन है। जी हां, अब वो घड़ी आ गया है दोस्तों, सीबीआई का स्टेटमेंट आ गया है। सीबीआई ने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या लिखा है, जी हां, ये जानना बहुत जरूरी है। और उस लेटर में कौन से ऐसा सबूत है जिसके बाद से वाकई पूरे देश में सनसनी फैल गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि सुशांत के मर्डर का मामला मोबाइल टावर से जुड़ेगा। अब यह मामला मोबाइल टावर से जुड़ चुका है, और मोबाइल टावर पर कौन सा ऐसा सबूत मिला है जिसके बाद से सीबीआई हरकत में आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। पूरे देश को ये उम्मीदें थी कि सीबीआई कोई ना कोई स्टेटमेंट देगी, उस स्टेटमेंट में सुशांत के कातिल का जिक्र होगा। जी हां, अब वो स्टेटमेंट आ गया है। स्टेटमेंट कैसे आया, वो सबूत कैसे आया, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पीएमओ को खत लिखा कि आप बताइए कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक क्या किया है, और पीएमओ ने यह लेटर फॉरवर्ड कर दिया सीबीआई को। फिर सीबीआई को जवाब देना पड़ा कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मामले में अब तक क्या हुआ है, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से जुड़े कौन कौन से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, ये वाकई जानना जरूरी है। सीबीआई ने इसका जवाब लेटर में दिया है, पीएमओ को दिया है, और फिर पीएमओ ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया है। हम आपके सामने उस लेटर को भी रख रहे हैं, ये पूरा लेटर है, और मैं आपको बताता हूं कि इस लेटर में तीन ऐसे पॉइंट है जिसके बाद से क्लियर हो गया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का कातिल और सुशांत के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ रहे थे वो वाकई में अब एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे थे कि सीबीआई को सुशांत मर्डर मामले में अब तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वाकई अब कातिल हवालात की हवा खाएगा। जी हां, एक सबूत मिला है। तीन ऐसे पॉइंट सीबीआई ने जिक्र किए हैं जिसके बाद से क्लियर हुआ कि सीबीआई ने सुशांत मामले में अब तक बहुत कुछ किया है जो कि वाकई इस पूरे केस पर बहुत खतरनाक तरीके से असर डालता है। कातिल अब छुप रहा है, लेकिन सीबीआई के हाथ में सबूत मिल चुके हैं, और बताया जा रहा है कि सीबीआई लगभग कातिलों तक पहुंच भी चुकी है। जी हां, तीन ऐसे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है, उन लोगों को जोरदार तमाचा है जो कि बार बार कह रहे थे कि सुशांत मामले में सीबीआई को कुछ नहीं मिला और केस बंद होने वाला है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि केस बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है। लेटर में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है। वहीं सीबीआई का जो बयान आया है, सीबीआई ने साफ तौर से कहा है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, कई ऐसे संदिग्ध चीजें मिली है, कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई ऐसे गवाह मिले, चश्मदीद मिले, जिसके बाद से वाकई में ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। यानी कि अब यह क्लियर है, उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि सुशांत मामले में सीबीआई को कुछ नहीं मिला, सुशांत ने वाकई में सुसाइड किया है, अब यह थ्योरी गलत हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सीबीआई लगातार कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से मिल रही है, उन डॉक्टरों से सबूत इकट्ठे कर रही है जिसने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत के पोस्टमार्टम में एक बड़ी चीज यह थी कि उनका पोस्टमार्टम रात में हुआ था, रात के अंधेरे में हुआ था। देश में यह कानून है कि रात में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाए। अगर इमरजेंसी स्थिति है, भूकंप हो गया है, या फिर कोई चीजें हो गई है जिसके कारण से कई हजार लोगों की मौत हुई है, क्योंकि अस्पताल पर बहुत बड़ा दबाव है उनके पोस्टमार्टम का, उनके पास वक्त नहीं है, इस स्थिति में वो विशेष अधिकारियों से इजाजत लेकर ही रात में पोस्टमार्टम करता है। लेकिन सुशांत मामले में ऐसा कुछ नहीं था, एक मौत हुई थी, उसको दिन में भी उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता था। लेकिन सीबीआई ने अब डॉक्टरों से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, आखिर क्या बड़ी वजह रही जो रात में आपने पोस्टमार्टम किया, किससे पूछकर आपने किया, क्या आप लोगों ने सबूत को मिटाया, ये वाकई सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल है। और सीबीआई को ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई को कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसके बाद से वाकई क्लियर हो गया कि इस पूरे मामले में कूपर अस्पताल के डॉक्टर भी संदिग्ध हैं। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा सबूत, जी हां, जो कि मोबाइल टावर को लेकर है, इसको लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वाकई में मोबाइल टावर से सुशांत के मौत का क्या कनेक्शन है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सीबीआई तमाम एंगल से सुशांत के मौत
का जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है इजरायली तकनीक। जी हां, इजरायली तकनीक के जरिए सुशांत के मर्डर का राज सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि तकनीक ही कातिलों को जेल की हवा खिलाएगा, तकनीक ही कातिलों को सजा दिलवाएगा। जिस तरीके से सुशांत मामले में इस बात को अपडेट करना, विकिपीडिया पर अपडेट करना कि सुशांत की मौत हो गई है, और यह अपडेट सुशांत के मर्डर से एक घंटे पहले था, यानी कि कातिलों ने ही उस बात को अपडेट किया कि सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर कातिल से जुड़े लोगों ने किया। अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत मामले में तकनीक ही कातिलों के लिए फंदा बन सकती है। जी हां, मैं आपको यह बात बता दूं कि किस तरीके से मोबाइल टावर के जरिए इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत के मर्डर के दिन उनके घर में कौन था, या फिर उनके मर्डर के एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद तक उनके घर के आसपास में उनके लोकेशन में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, उनके कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। ये तमाम चीजें मोबाइल टावर के जरिए इकट्ठा की जा रही है, और यह तकनीक इजरायली तकनीक है। आपको बता दें कि इजरायली तकनीक दुनिया में काफी ज्यादा अहम माना जाता है, और उस तकनीक के जरिए वाकई में ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल जल्द ही बेनकाब होने वाला है, और तकनीक ही सुशांत के कातिलों को हवालात की हवा जल्दी खिलाएगा। दोस्तों, सत्य की हमेशा विजय होती है। जिस तरीके से सुशांत मामले में पूरे देश ने एक साथ एक आवाज में कहा जस्टिस फॉर सुशांत, और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी गई, और सीबीआई खामोशी से गुपचुप तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पीएमओ के लेटर, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, सीबीआई ने जवाब दे दिया है। सीबीआई ने अब तक क्या किया है, ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो गया है। दोस्तों, अब तो तय है कि सुशांत के कातिलों के पैर कपकपाने लगे होंगे। वाकई ऐसा लग रहा है कि सुशांत के कातिलों को जल्द ही फांसी की सजा होगी। जिस तरीके से उन्होंने एक युवा और मेहनती कलाकार को मौत के घाट उतार दिया, प्रशंसकों के उम्मीदों पर पानी फेर दी, उसे सजा तो होनी चाहिए, और वो सजा फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, शेर दो कदम पीछे हटता है, इसका मतलब नहीं कि वो डर गया। वो दो कदम पीछे इसलिए हटता है कि वो हमला के लिए खुद को तैयार करता है। जी हां, सीबीआई भी अब यही कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ दिनों से सीबीआई खामोश थी, क्योंकि कोई चीजें, कोई प्राइवेसी चीजें लीक ना हो। जी हां, कई चीजें होती है जो कि जांच में सहयोग देती है, अगर वो चीजें बाहर आ जाए तो जांच में पूरी तरीके से खलल पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में सीबीआई को खामोश होना बहुत जरूरी था। अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। उन्होंने पीएमओ को जो खत लिखा है, उस खत में 3 पॉइंट दिए हैं। यह वाकई पूरे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के सुशांत के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। उम्मीदें जग गई है, सीबीआई कुछ कर रही है, इससे क्लियर हो गया है। दोस्तों, सत्य की हमेशा विजय होती है, और ऐसा लग रहा है कि सुशांत का कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।